क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो प्रॉब्लम है, तो दोनों चीज़ें कर। अभी अपना क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड की बात करते हैं। ये नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट हैं वो दो तरीके के हैलाइड बनाते हैं। एक है आपका, सपोज ये एलिमेंट है तो ये बनाएगा EX3 और दूसरा EX5। ठीक है, मतलब 3 हैलोजन एटम अटैच होंगे या 5 हैलोजन एटम अटैच होंगे। इसमें भी अगर हम बात करें ट्राई हैलाइड फॉर्मेशन की, तो ट्राई हैलाइड फॉर्मेशन में सभी जो होते हैं वो ट्राई हैलाइड बनाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो नहीं बनाते हैं, वो कौन कौन से हैं उनको हमें याद रखना है। एक्स है NCl3, NBr3, Ni3। अब क्या रीजन है कि ये नाइट्रोजन क्लोरीन के साथ, नाइट्रोजन ब्रोमीन के साथ और नाइट्रोजन आयोडीन के साथ ये वाला आपका नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, इसके क्या रीज़न है, उसकी बात करते हैं। एक तो क्या होता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी हाई होती है, अच्छी खासी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसमें होती है, और क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है, आपको पता है। हेलोजन है ये, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा ही होगी। तो ये जो बॉन्ड बनता है ना, ये बॉन्ड जो होता है इसमें लो पोलैरिटी होती है। भाई ज़्यादा पोलैरिटी कब क्रिएट होगा, जब आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा। END जितना ज़्यादा होता है उतना बॉन्ड में क्या आती है, पोलैरिटी आती है, या आप कह सकते हो उतना ही आयनिक कैरेक्टर आता है। और जितना बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर आएगा बॉन्ड स्ट्रांग बनता जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका लो पोलैरिटी होती है। दूसरा रीजन क्या है कि NX बॉन्ड वीक होता है, उसका क्या रीजन है, हेलोजन एटम जो है, अगर हम बात करें क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की, इनका साइज काफी बड़ा, तो साइज अगर इंक्रीज करता जाएगा ना तो होल्डिंग कम होती जाती है। अगर दोनों के साइज कंपैरेटिव होते हैं दोनों एटम्स के, तो होल्डिंग ज़्यादा होती है, और दोनों एटम्स के अगर साइज कंपैरेटिव नहीं होते हैं तो होल्डिंग कम होती है। होल्डिंग का मतलब एक को दूसरे से बॉन्डिंग जो होगी वो क्या होगी, उसका डिग्री या उसका जो फॉर्मेशन होगा उसकी चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्लियर है? तो क्या क्या रीज़न हुए, एक तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी कम है, क्यों, क्योंकि ये भी अच्छा खासा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ये हैलोजन भी अच्छा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कंपैरेटिव है लगभग लगभग इनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। दूसरा, ये जो हैलोजन अटैच हो रहा है क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन, इसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो साइज अगर बड़ा हो जाता है तो बॉन्डिंग टेंडेंसी कम हो जाती है। इतनी बात क्लियर है? देखो, जैसे मान लो सपोज NCl3 जो बनता भी है, अगर कहीं बन भी गया तो एक्सप्लोसिव होता है। एक्सप्लोसिव होगा मतलब रहेगा तो है नहीं, शॉर्ट लिव्ड होगा, NCl3 की बात हो रही। तो क्या क्या रिएक्शंस कर सकता है ये, रिएक्शंस से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जैसे एक रिएक्शन है NCl3 जो है हाइड्रोलिसिस करता है, मतलब अगर इसको कहीं से वाटर मिल गया तो उससे रिएक्ट कर जाएगा और बना लेगा आपका ट्राई हैलाइड है, क्या बनाएगा, अमोनिया और HOCl। HOCl को हम लोग बोलते हैं, क्या नाम देते हैं इस एसिड को, कोई बताएगा इसका नाम,
पहले बता चुके हैं आप लोगों को किसी क्लास में। हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, कभी जिक्र किया होगा क्लोरीन के एसिड्स का, तो HOCl होता है, HClO2 होता है, HClO3 होता है, HClO4 होता है, ठीक है। ये क्लोरिक एसिड होता है, ये परक्लोरिक एसिड होता है, ये हाइपोक्लोरिक एसिड होता है, ये ऑक्सी हाइपोक्लोरस एसिड होता है, हाइपोक्लोरस एसिड इसका नाम, ठीक। जो भी कंपाउंड आप पढ़ते जाओ कोशिश करो आपको नाम भी पता। सेकेंड रिएक्शन की अगर हम बात करें, आप PClC ले लेते हो, उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो, फॉस्फोरस का अगर ट्राई हैलाइड है उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो, तो आपको H3PO3 मिलता है। H3PO3 कौन सा एसिड है? H3PO3 कौन सा एसिड है? फॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस, या आप बोल सकते हो फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, हाइपो भी नहीं बोलते, हाइपो क्यों लगा दिया, और तो और हाइपो वर्ड, फॉस्फोरस एसिड बोलो या और तो फॉस्फोरस, ठीक है। तो PCl3 को आप देख पा रहे हो कि जब इसका रिएक्शन हो रहा है तो क्या क्या बन रहा है आपका, दो एसिड्स बन रहा है। जब हाइड्रोलिसिस इसकी हो रही है तो दो एसिड्स बन रहा है, एक H3PO3 और एक HCl बन रहा है। दोनों की बेसिसिटी बोलो जरा, एन फैक्टर बोलो, H3PO3 की अगर हम बात करें फॉस्फोरस एसिड की, तो इसका एन फैक्टर होता है आपका कितना, 2। क्यों? क्योंकि इसमें 2 OH बॉन्ड होते हैं, जितने OH बॉन्ड होंगे उतने ही H प्लस वो दे सकता है, और जो H प्लस का नंबर कोई भी एसिड का वन मॉलिक्यूल देता है उसको हम बोलते हैं एन फैक्टर, या बोलते हैं बेसिसिटी। तो H3PO3 के केस में एन फैक्टर कितना होता है, 2, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में 2 OH बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और HCl का तो आपको पता ही है कि HCl में आपका HCl में OH बॉन्ड से तो देखते नहीं है हम लोग, देखते हैं H प्लस कितने देगा सीधे सीधे, तो ये 1H प्लस देता है, तो इसके लिए N फैक्टर की अगर बात करो तो कितना हो जाएगा। क्लियर है बात सबको? अब अगर हम बात करें HBCl3 की, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो, तो इसकी हाइड्रोलिसिस पे एक स्पेशल कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं SbOCl, और HCl बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टीबाइनाइल क्लोराइड। ये इम्पोर्टेंट है, रिएक्शन पूछेगा, पूछा गया है पहले। इसी तरीके से आपका थर्ड लास्ट Bi का अगर ट्राई हैलाइड है, BiCl3, तो इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो इसका हाइड्रोलिसिस पैटर्न और इसका हाइड्रोलिसिस पैटर्न सेम है, इसमें बनता है BiOCl, इसको बोलते हैं हम लोग बिस्मथ होता है ना, तो इसको बोलते हैं बिस्मिथाइल क्लोराइड। क्लियर है बात? ठीक है, अब देखो इससे भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है,
AICL3 से एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इसका जब हाइड्रोलिसिस कराते हो या जब BICL3 का एक्व सॉल्यूशन आते हो, आवाज आ रही है? सबको आवाज क्लियर है? BICL3 का जब हम लोग एक्व सॉल्यूशन यूज करते हैं, एक्व सॉल्यूशन बनता है जब, तो इसका एक्व सॉल्यूशन थोड़े टाइम बाद टर्बिडिटी ले लेता है। टर्बिडिटी का मतलब होता है कि थिक हो जाता है और वाइट मिल्की अपीयरेंस देता है। तो पूछा गया था कि कौन सा ऐसा कंपाउंड होता है जिसकी वजह से ये वाइट मिल्की अपीयरेंस देता है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ BICL3 का मतलब क्या है कि BICL3 जो बनेगा आपका किसी भी रिएक्शन में बन रहा है, उसकी आप वाटर से रिएक्शन करवा दो। इसकी वाटर से रिएक्शन करने के बाद ये HCl है, तो HCl आपको पता है लिक्विड फॉर्म में सिंपल लिक्विड रहता है, कोई इसमें आपका थिकनेस नहीं आती है। लेकिन BIOCl जो बनता है ये टर्बिडिटी गेन करता है थोड़े टाइम बाद ही, और ये वाइट मिल्की अपीयरेंस जैसे बहुत गाढ़ा सा दूध हो आपका, वो उस तरीके का ये दिखता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम लोग याद रखेंगे BIOCl बिसमिथाइल क्लोराइड जो है वो क्या होगा, ये जब बनता है तो थोड़े टाइम बाद वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल थिक मिल्की अपीयरेंस देगा। क्लियर? इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि भाई सपोज हमने नाइट्रोजन का फ्लोराइड ले लिया, नाइट्रोजन का क्लोराइड ले लिया, नाइट्रोजन का ब्रोमाइड ले लिया ट्राइब्रोमाइड, और नाइट्रोजन का आयोडाइड ले लिया सपोज, तो इन तीनों को अगर कंपेयर करो तो लुईस बेस कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा, किस में कम? तो लुईस बेस कैरेक्टर आपको पता है कि लुईस बेस का मतलब क्या होता है? हाँ, लुईस बेस का मतलब होगा कि लोन पेयर डोनेशन की बात हो, कोई भी ऐसी ऐसा एटम, कोई भी ऐसी स्पीसीज जो लोन पेयर किसी को दे देता है उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस, और लुईस एसिड उसको बोलते हैं जो गेन करता है। तो लुईस बेस कैरेक्टर की बात हो रही है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा नाइट्रोजन होगा। भाई नाइट्रोजन के पास यहाँ पे है आपका लोन पेयर, तो नाइट्रोजन कौन सा ऐसा होगा सेंट्रल एटम ये वाला, जिसमें क्या हो कि टेंडेंसी हो कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने दे दे आसानी से। तो अगर हम NF3 की बात करें तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन एटम अटैच है ना, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट होती है, इन PT इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज हाईएस्ट, आपको पता है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी होगी, तो ये तो इलेक्ट्रॉन को पुल करने की कोशिश करेगा अपनी तरफ, और इलेक्ट्रॉन को अगर ये पुल करेगा तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लोन पेयर निकालना आसान होगा क्या यहाँ से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और इसके अगर कंपैरिजन में देखो तो क्लोरीन कम करेगा, और उसी तरीके से BR क्या करेगा, ये BR के लिए भी अट्रैक्शन कम होगा और I के लिए भी अट्रैक्शन कम होगा, देख पा रहे हो आप? तो जितना अट्रैक्शन फोर्स इस लोन पेयर पे फ्लोरीन लगाएगा उससे कम क्लोरीन, और उससे कम ब्रोमीन, और सबसे कम कौन लगाएगा, आयोडीन। तो जो फोर्स सबसे कम लगाएगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना आसान होगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से दे देगा। तो अगर लुईस बेस कैरेक्टर की आप बात करो तो सबसे ज़्यादा Ni3 में, उसके बाद NBr3 में, और उसके बाद NCl3 में, सबसे ज़्यादा किस में होगा Ni3 में, फिर उसके बाद NBr3, उसके बाद NCl3, और उसके बाद NF3। क्लियर है बात? ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर उसके बाद ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, तो
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी हाई है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को तेज़ी से पुल करेगा, तो वहाँ पे फ्री करना टफ होगा, और यहाँ पे इन सब के कंपेरिजन में यहाँ पे फ्री करना इजी होगा। देखो क्वेश्चन से ज़्यादातर कंपैरेटिव क्वेश्चन आते हैं पी ब्लॉक में। दूसरी चीज़, कंपैरेटिव क्वेश्चन के साथ साथ कभी कभी रीज़न पूछ लेते हैं, कि दो तरीके के क्वेश्चन बनाते हैं। एक में तो आपको पूछ लेंगे कि किस ऑर्डर क्या है, ठीक है, और दूसरा कभी कभी उसके साथ रीज़न पूछ लेते हैं कि ये ऑर्डर तो ये है लेकिन इसका बेसिक रीज़न क्या है, और कभी कभी कंपोजिट पूछ लेते हैं। कंपाउंड दे देंगे आपको, ठीक है, चार कंपाउंड दे दिए आपको, अब उसमें आप उन्होंने ऑप्शंस इस तरीके से फ्रेम कर दिए कि किसी में ऑर्डर पूछेंगे और उसके साथ साथ उस रीज़न भी लिखेंगे उसको, ठीक है। तो अगर दोनों चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होंगी तो क्या होगा, आप एनालाइज नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं हम लोग पेंटाहैलाइड की। पेंटाहैलाइड किस तरीके से बनते हैं, कौन बनाएगा, और पेंटाहैलाइड की अगर बात करो तो नाइट्रोजन और जो लास्ट वाला बिस्मथ है, नाइट्रोजन एंड बिस्मथ नॉट फॉर्म पेंटा, बाकी सब बनाएंगे, ठीक है। जैसे फॉस्फोरस बनाएगा आपका, आर्सेनिक बनाएगा, और कौन है इसके बाद, SB बनाएगा, बट नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनेगा और BiCl5। इन दोनों के अपने अपने रीज़न है क्यों नहीं बना पाता। देखो भाई, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, और क्या है इसके पास, नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s2 2p3 होता है, तो इसके पास 2d तो है नहीं, d ऑर्बिटल है नहीं भाई। 5cl अगर आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, अटैच होना चाहते हैं, तभी अगर 5cl अटैच होंगे तभी NCl5 बनेगा, और 5cl अटैच करने के लिए 5 ऑर्बिटल्स इसके पास सिंगली ऑक्यूपाइड होने चाहिए या खाली होने चाहिए, तो इसके पास तो केवल 3p, p में कितने ब्लॉक होते हैं आपके, 3 होते हैं, तो इसके पास केवल यही ऑप्शन है, और ऑप्शन इसके पास है नहीं, डी इसके पास है नहीं, तो ये एक्सपेंड कर नहीं सकता, इसलिए ये NCl5 नहीं बनाता है। क्यों, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब आप बोलेंगे Bi तो बड़ा है, Bi के पास तो डी ऑर्बिटल होगा, ये तो नीचे की तरफ होता है, तो ये क्यों नहीं बनाता, इसमें क्या रीज़न पड़ता है। ये भाई हैवी एलिमेंट है, नीचे की तरफ जो आते हैं वो हैवी होते हैं, किसी भी फैमिली के हैवी एलिमेंट में एक इफेक्ट काम करने लगता है जिसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसमें क्या होगा, जो NH2 NP5 NP3 के जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से ये वाला जो होगा ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देता है, NH2 वाला, तो ये बॉन्डिंग में जब पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो केवल ये पार्टिसिपेट करेगा, तो ये इसके पास तो केवल 3 का ऑप्शन है, 5 का ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से NCl3, NCl5 और BiCl5 नहीं बनते हैं, बाकी PCl5, ASCl5 और SBCl5 फॉर्म। क्लियर है बात। हाँ, एंटीमनी बताया था, SBCl5 बना रहा है। इन एंटीमनी में इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है, लेकिन जैसे ऑक्साइड वगैरह फॉर्मेशन है उसमें होता है, ठीक है, मतलब ये एक्चुअली बेसिकली ये फैक्टर कहीं पे काम करते हैं और कहीं पे काम नहीं करते, तो इन जनरली एंटीमनी बना सकता है, लेकिन एंटीमनी में अगर देखो, देखो सर, जो सबसे पहला एलिमेंट होगा किसी भी फैमिली का, पहला, फिर दूसरा, फिर हम बात करते हैं तीसरे की, फिर चौथे की, फिर उसके बाद हम बात करते हैं पांचवे की, ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं किसी भी फैमिली के। तो ये जो होता है ये आपका शो करता है आपका लोएस्ट कम वाले, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला जो होगा उसके पास डी ऑर्बिटल, ठीक,
फिर फास्फोरस की सेकेंड वाले एलिमेंट की अगर बात करो ना, तो ये दोनों शो करता है, प्लस थ्री की भी टेंडेंसी होगी, प्लस फाइव की भी टेंडेंसी होगी इसमें। फिर आर्सेनिक की अगर बात करो तो ये भी प्लस थ्री भी शो करेगा और प्लस फाइव भी शो करेगा, ठीक है। लेकिन जो ऊपर वाला एलिमेंट होता है, मतलब ये जो थर्ड पोजिशन पे आएगा, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें टेंडेंसी होगी आपकी ये वाली ज़्यादा शो करने की। और अब अगर इस वाले एलिमेंट की बात करें तो इसमें भी प्लस थ्री और प्लस फाइव ये शो कर सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा टेंडेंसी इसकी होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर का। फिर उसके बाद बी आई की अगर बात करो तो ये तो प्लस थ्री ही शो करता है, नीचे अगर हम जाते हैं तो इसमें तो बहुत प्रोमिनेंट होगा। लेकिन ये प्लस थ्री इसमें प्रोमिनेंट है, इसमें प्लस थ्री आपकी बिल्कुल ही प्रोमिनेंट है, मतलब इसमें तो कोई चांस ही नहीं है प्लस फाइव का। लेकिन एस बी सी एल फाइव देखा गया है, एस बी सी एल फाइव बनता है एक्सपेरिमेंटली अगर हम बात, ठीक है। इसीलिए तो इनऑर्गेनिक पे डिटेल बहुत याद रखनी पड़ती है भाई। जैसे हम लोग बाई रूल देखते हैं, अच्छा भाई हमने आपको बताया ये ज़्यादा शो करेगा, ये कम शो करेगा। जैसे इसका मैंने बताया कि भाई पहला वाला दोनों तरीके के शो करेगा, दूसरे वाला भी दोनों तरीके के, पहला वाला आपका लोएस्ट शो करेगा, डी नहीं है, दूसरा वाला दोनों शो करेगा, तीसरे वाले की अगर बात करो तो वो हाईएस्ट शो करेगा ज़्यादा कंपाउंड्स में, चौथे वाले की अगर बात करो चौथे एलिमेंट की तो वो ये वाले शो दोनों शो कर सकता है, लेकिन ये वाले शो करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। और जो लास्ट वाला फिफ्थ की एलिमेंट की बात करो तो वो केवल लोएस्ट वाली शो करेगा। क्लियर? अब देख, हाँ प्रोमिनेंट मतलब मोस्ट ऑफ द कंपाउंड प्रेजेंट है या नहीं, ज़्यादातर कैसे बना रहा है, स्टेबल बना रहा है या अनस्टेबल बना रहा है, वो कंपाउंड जल्दी से ब्रेक होके किसी और कंपाउंड में तो नहीं कन्वर्ट हो जा रहा, समझ रहे हो? स्टेबल कंपाउंड दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बनना तो अलग चीज़ है भाई, जैसे फॉर्मेशन तो हो जाता है ना, लेकिन वो स्टेबल, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्लोराइड में भी बताया था, ये जो पहली लाइन बोली थी इसमें यहाँ पे बताया ना कि NCl3 NBr3 Ni3 ये नहीं बनता है, ठीक है। तो NCl3 नहीं बनता है का मतलब नहीं है, किसी कंपाउंड में अगर बनेगा ना तो वो होता है बड़ा एक्सप्लोसिव, तो बड़ा शॉर्ट लिव्ड होता है, तो ऐसा हम बोलते हैं कि नहीं स्टेबल ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। जैसे बनेगा एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है, इसका फॉर्मेशन एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है, तो ये क्या होता है ब्रेक हो जाता है डिस्ट्रॉय। अब पेंटाहेलाइड में PCl5 ये तो बता चुके हैं अभी, इसी से क्वेश्चन भी दिया था ना, इफेक्टिव क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्लोरीन को प्रोवाइड कराएगा तो क्लोरीनेटिंग एजेंट। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन गैस N2 की बात। N2 के बारे में अगर हम देखें तो ये इनर्ट होती है, इनर्ट होने का रीज़न क्या है इसका, इसके इनर्ट होने का रीज़न ये है क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है, किसी भी चीज़ जिसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत लो होगी उसको ब्रेक करना बड़ा आसान होता है, थोड़ी सी एनर्जी दीजिए वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जिसकी बॉन्ड एनर्जी हाई होती है वो जल्दी से क्या होगा ब्रेक नहीं। अगर इसकी हम प्रिपरेशन देखें तो कैसे कैसे हम इसको बना सकते हैं, कौन कौन से रिएक्शन से निकलती है, कोई रिएक्शन मालूम है आपको नाइट्रोजन प्रिपरेशन? नाइट्रोजन बनानी है आपको तो कोई नाइट्राइड, जैसे अमोनियम नाइट्राइड को हीट,
नाइट्रोजन, वाटर रिलीज हो जाता है, नाइट्रोजन गैस। एक और लैब में अक्सर करके ये एक्सपेरिमेंट नाइट्रोजन गैस को बनाने के लिए किया जाता है, अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। क्या नाम देते हैं इसको? अमोनियम डाइक्रोमेट। रेडिकल्स के नाम साथ साथ में सीखते जाएंगे, जैसे NO2 को क्या नाम देते हैं हम, NO2- को? NO2- को क्या बोलते हैं इस रेडिकल को, कोई बताना चाहेगा? नाइट्राइट बोलते हैं इसको। NO3- को क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रेट, ठीक है। और जैसे फॉस्फोरस ये है PO4-3 है, तो इसको हम बोलते हैं फॉस्फेट। और PO3-3 होता है शायद, इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फाइट, ठीक है। N-3 को क्या बोलते हैं? नाइट्राइड, IDE लग जाता है यहाँ पे, ITE यहाँ पे, ATE यहाँ पे, IDE। अब ऐसे फॉस्फोरस का देख लो तो इसको बोलते हैं फॉस्फाइड, IDE। क्लियर है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है अमोनियम डाइक्रोमेट, अगर आपसे पूछा जाए डाइक्रोमेट आयन का फॉर्मूला, तो Cr2O7-2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अमोनियम के ऊपर +1 होता है, 2 लगे हुए, तो यानी +2 चार्ज इधर है, तो -2 इस पे होगा। अगर आपसे कोई पूछे डाइक्रोमेट आयन का फॉर्मूला बताइए, तो क्या हो जाएगा? ये सब पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि आपके वो होते हैं ना जो प्रैक्टिकल्स वगैरह में ये कंपाउंड्स यूज होते हैं, तो प्रैक्टिकल में जो चीज़ें यूज होती हैं उनके फॉर्मूला, उनके स्ट्रक्चर, ऐसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हम लोग हीट करते हैं, तो इसको हीट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। क्रोमियम का ऑक्साइड बनता है, वाटर रिलीज होता है और नाइट्रोजन गैस। उसके बाद अगर हम नाइट्राइड ले लेते हैं, बेरियम का नाइट्राइड ले लो, सोडियम का नाइट्राइड ले लो, इनके नाइट्राइड को अगर हीट कर दो, जैसे BaN3 या NaN3, इन दोनों को अगर हीट करो, गर्म करो, तो इनको हीट करने पे भी नाइट्रोजन मिलती है। याद रखेंगे ये जो दो नाइट्राइड वाले हैं, इनको जब हीट करने पे हम बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्योरेस्ट नाइट्रोजन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन का वो मेथड बताइए, या किस कंपाउंड से 4 रिएक्शंस आपको दे दे नाइट्रोजन फॉर्मेशन की, और बोल दे किससे आपको प्योरेस्ट बना सकते हो नाइट्रोजन, तो एक्सपेरिमेंटली क्या प्रूव है कि ये वाले जो इससे नाइट्राइड को जब आप हीट करते हो, बेरियम के, सोडियम के, तो इनसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन मिलता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट प्रोसेस की अगर बात करो, तो अमोनिया से भी बना सकते हो नाइट्रोजन को, NaOCl से रिएक्शन, NaOCl से रिएक्शन, तो आपकी नाइट्रोजन बनती है।
इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, NaOCl, जल्दी से नाम बताओ। NaCl को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, सबको पता है। इसको क्या बोल सकते हैं, अंदाजा लगाओ। NaOCl को हाइपो भी बोल सकते हैं। देखो हाइपो कैसे बोल सकते हैं, जब हम लोग HOCl लेते हैं तो इसको हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं ना। अब इसका एक H+ हट जाएगा और वहाँ पे कौन आ जाएगा, Na आ जाएगा, तभी तो ये बनेगा। तो इसको हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड बोल सकते हैं। ऑक्सीक्लोराइड नहीं बोलते, ऑक्सीक्लोराइड नाम है, सोडियम हाइपो क्लोराइड बोलते हैं, नॉट क्लोराइड। अब देखो एक रिएक्शन और है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, NO ले लीजिए आप, नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसको कॉपर पर हीट कर दीजिए, कॉपर का नेट बना लो और उसके ऊपर आप हीट कर दो, तो ये कॉपर जो होता है ना ये ऑक्साइड बना लेता है और नाइट्रोजन गैस को रिलीज करता है। ये ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस इसमें रिलीज। एक और रिएक्शन है इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम लोग अमोनिया और क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि अमोनिया का अमाउंट हमें, अमोनिया की कंसेंट्रेशन हमें ज्यादा रखनी है, अमोनिया की कंसेंट्रेशन क्लोरीन के कंपैरिजन में हमें क्या रखनी है, ज्यादा रखनी है। कैसे रिएक्शन होता है अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें अगर आप देखो तो ये 3 moles रिएक्ट कर रहा है और ये कितने moles रिएक्ट कर रहा है, अमोनिया 8 moles रिएक्ट कर रहा है। देख पा रहे हैं आप, नाइट्रोजन का आपका 1 mole बन रहा है और NaOCl के 6 moles बन। अगर इसी में हम क्या करें, अमोनिया की कंसंट्रेशन को कम कर दें, क्यों ज़्यादा रखनी है, अगर अमोनिया का कंसंट्रेशन हम लोग क्या कर दें, लो कर दें, तो रिएक्शन ये ना हो करके दूसरा रिएक्शन होने लगता है। अगर आप लो कर दोगे कंसंट्रेशन तो यहाँ पे एक्सप्लोसिव कंपाउंड बन जाता है NaCl। नाइट्रोजन बनने की जगह क्या बन जाएगा, एक्सप्लोसिव कंपाउंड। तो अगर आपको अमोनिया और क्लोरीन को यूज़ करके नाइट्रोजन बनानी है तो अमोनिया का अमाउंट क्या रखना पड़ेगा, कंसंट्रेशन आपको हाई रखनी पड़ेगी। अगर आप लो करोगे कंसंट्रेशन को तो नाइट्रोजन की जगह पे क्या बनेगा, NaCl3 कंपाउंड बनेगा, जो कि कैसा होता है, एक्सप्लोसिव। क्लियर है, क्लास है या चली गई, आधे बच्चे तो दिख रहे हैं आधे तो दिख नहीं। कौन कौन चला गया, आर्ची बताओ जरा कौन कौन चला गया क्लास से। प्रांजल नहीं, और
बाकी सब आए नहीं, जो जो आए थे प्रांजल में। मालूम है टॉपिक थोड़ा थोड़ा तो है, मैं मानती हूँ थोड़ा सा हल्का सा टॉपिक, थोड़ा सा मोनोटोनस टाइप का चलता है। अब नाइट्रोजन की देखो हमने कितने प्रिपरेशन पढ़े, अगर प्रिपरेशन की बात तो नाइट्रोजन के हमने एक नाइट्राइट को हिट किया अमोनियम के, तो अब नाइट्रोजन बना। दूसरा हमने अमोनियम के डाइक्रोमेट को हिट किया, तब नाइट्रोजन फॉर्म किया। फिर तीसरा हमको इम्पॉर्टेंटली याद रखना है, क्यों? क्योंकि इसमें बेरियम और सोडियम के नाइट्राइड को हीट करते हैं तब नाइट्रोजन फॉर्म होता है, और ये प्योरेस्ट मेथड है आपका। प्योरेस्ट अगर नाइट्रोजन बनाना है तो उसके लिए बेटर। फिर उसके बाद हमने अमोनिया और NaOCl को यूज़ करके बनाया। फिर अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड ले लें और उसको कॉपर के वायर के ऊपर आप हीटअप करते हैं तब हमको नाइट्रोजन मिलता है। और लास्ट में इम्पॉर्टेंट वाला कौन सा था, अमोनिया और क्लोरीन को यूज़ किया हमने, लेकिन इसमें हमें अमोनिया की कंसंट्रेशन को क्या करना है, हाई रखना है। अगर अमोनिया की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी एक लिमिट से तो उसमें क्या बन सकता है, NCl3 बन सकता है, वो एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है और N2 तो बनेगा नहीं। क्लियर? अब नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम किसी मेटल के ऊपर, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनको अगर आप गर्म कर दो तो उनके ऊपर इसको एब्जॉर्ब करा सकते हो। अब एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा भाई, नाइट्रोजन अगर किसी से रिएक्ट कर रहा है किसी भी मेटल से, तो नाइट्रोजन बनाएगा मेटल का नाइट्राइड। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से मेटल्स हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम हो सकता है, जैसे एल्युमिनियम हो सकता है। अगर इसको नाइट्रोजन से रिएक्ट करवाओ आप तो ये नाइट्राइड बनाता है। नाइट्राइड का फॉर्मूला Ca3N2 होगा, क्यों? क्योंकि कैल्शियम की अगर बात करो तो +2 चार्ज होता है और नाइट्राइड के ऊपर कितना चार्ज होता है, -3। तो अब आपको पता है फॉर्मूला लिखने में क्रिस क्रॉस लिखते हैं, इसकी वैल्यू, इसका चार्ज इसके पास और इसका चार्ज इसके पास, प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं। एल्युमिनियम की अगर बात करो तो एल्युमिनियम क्या बना लेगा, एल्युमिनियम पर +3 होता है चार्ज, और नाइट्रोजन नाइट्राइड में है तो -3, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, Al। क्लियर है आप? एल्युमिनियम का नाइट्राइड एक और केस में बनता है, एल्युमिनियम का एक और होता है एल्यूमिना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं Al2O3। इसकी रिएक्शन करवाते हैं कोक से, कार्बन से और नाइट्रोजन से, तब भी बनता है Al, एल्युमिनियम का नाइट्राइड। ये आपकी मेटलर्जी में, एल्युमिनियम की मेटलर्जी में यूज किया जाता है, मेटलर्जी का प्रोसेस। अगर हम बात करें ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड आपको बताए हुए मैंने, 5 ऑक्साइड बन सकते हैं, कौन कौन से? एक आपका N2O था, दूसरा NO, तीसरा NO2, चौथा N2O5, ये N2O3। ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए, सारे ऑक्साइड हैं तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2। ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का -2 होगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या होना चाहिए, N2O। N2O में अगर हम निकालें तो ये -2 है, तो ये क्या हो जाएगा, +1। विधि ऑक्सीडेशन नंबर सीखा हुआ है, अगर NO की बात करो तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, अगर आप NO2 की बात करो तो +4 हो जाएगा, N2O5 की बात करो तो कितना आ जाएगा, +5, और N2O3 की बात करो तो +3। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, N2O
N2O की अगर बात करें तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे गैस होता है, NO भी नॉर्मल टेम्परेचर पे गैस होता है, NO2 भी अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे देखें तो ये ब्राउन कलर की गैस होती है। N2O5 की अगर बात करें तो ये गैस फेज में एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपका कलरलेस सॉलिड होता है। और N2O3 की अगर बात करें तो N2O3 भी आपका कलरलेस गैस है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम -30 टेम्परेचर तक ले जाएं N2O3 को, -30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ले जाएं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ब्लू कलर के लिक्विड। तो क्या क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज हो गई? N2O की अगर बात करो तो गैस फॉर्म है, लाफिंग गैस भी बोलते हैं इसको। जहाँ पे भी इसकी बॉटल को ओपन कर दिया जाए तो क्या होगा, लोग अपने आप हंसना, जो भी इसको इनहेल करेगा वो हंसने लगेगा। दूसरा NO भी गैस होता है, आपका NO2 ब्राउन कलर की गैस होती है, N2O5 कलरलेस सॉलिड होता है, गैस फेज में नहीं होता है, N2O3 गैस होती है और आपका ब्लू कलर का लिक्विड बन सकता है कब, -30। क्लियर है इतनी बात? NO2 की अगर बात करें तो NO2 गैस रिलीज होती है कब, रिलीज कब होगी ये, जब कोई भी नाइट्रेट का सॉल्ट, आप एक्सपेरिमेंट क्वालिटेटिव एनालिसिस भी आती है ना इसमें आपके एग्जाम में और 12th के प्रैक्टिकल में भी आती है, जब भी आप कोई नाइट्रेट सॉल्ट लेते हो, ठीक है, और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते, तो कंसेंट्रेटेड H2SO4 डालते हो तो एक ब्राउन कलर की गैस निकलती है, उसको हम लोग बोलते हैं NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर है बात? और इस ट्रेट का NO3 माइनस का अगर हम लोग कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं, कभी कन्फर्मेटरी टेस्ट बताया आपको इसका? नहीं बताया? अच्छा, अभी बताऊंगी तो आप बोलोगे बताया, क्योंकि तो मुझे लगता है मैंने बताया। चलो बता, इससे भी क्वेश्चन दे देते हैं कहीं। कन्फर्मेटरी टेस्ट जब हम लोग करते हैं तो इसके लिए एक स्पेशल कन्फर्मेटरी टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, रिंग टेस्ट। सुना है किसी ने किया है? किया तो होगा नहीं, क्योंकि क्योंकि लैब में तो गए नहीं पिछले साल से। नहीं, वो तो बोरेक्स बीड टेस्ट था, उसके लिए तो प्लैटिनम वायर की ज़रूरत होती है, वो तो कई सारे लैब में होता ही नहीं क्योंकि प्लैटिनम बहुत एक्सपेंसिव आता है ना। उसको तो टीचर के और बुक में ही बताते। ये NO3 अगर कोई सॉल्ट आपको नाइट्रेट का मिला हुआ है तो आप इसको पहचानना चाहते हो, या अगर आप इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हो और आप देखते हो ब्राउन कलर की गैस रिलीज हो रही है तो आपको ऐसा लगता है कि इट मे बी नाइट्रेट, तो फिर उसके बाद आप, ये तो आपका प्राइमरी टेस्ट होता है, फिर उसके बाद कन्फर्मेटरी आप करते हो, तो कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए आपको क्या करना होता है, FeSO4 लेके आओ आप, ठीक है, लैब में होता है ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर का पाउडर होगा। अगर आपको कहीं पे भी लैब में FeSO4 लिखा हुआ है किसी बॉटल के ऊपर, किसी भी उसके ऊपर, और अगर वो आपको सब्सटेंस ब्राउन दिख रहा है तो उसको आप यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि वो FeSO4 फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया होता है, ठीक है, ये हल्का सा लाइट ब्राउन दिखेगा, तो ये आपको नहीं यूज़ करना है। आपको क्या यूज़ करना है? FeSO4 लाइट ग्रीन कलर का, जैसे आप पिस्ता का कलर देखा है, पिस्ता जैसा कलर होता है, लाइट ग्रीन बिल्कुल अच्छा सा,
ऐसे कलर का होता है, तो आप FeSO4 लेके आओगे। एक टेस्ट ट्यूब में, और एक टेस्ट ट्यूब में आपका जो सॉल्ट है, जिसको आप समझ रहे हो कि ये नाइट्रेट का सॉल्ट है जिसको आपको टेस्ट करना है, दोनों में आप क्या करोगे, वाटर डालोगे, ठीक है। और यहाँ पे अपने फिंगर रख करके इसको शेक कर लोगे अच्छे तरीके से दोनों को। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो FeSO4 है इसको आप, ये जो नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें आप ये वाली टेस्ट ट्यूब से पोर करोगे इसको, FeSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। थोड़े अमाउंट में इसको पोर कर दिया, सपोज ये यहाँ तक है तो आप थोड़ा सा इसमें पोर कर दो इसको FeSO4। फिर उसके बाद इसको पोर करने के बाद FeSO4 को आप अलग रख दो। और इस टेस्ट ट्यूब को लेते हुए अब आप क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपके पास है, सपोज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हमेशा ड्रॉपर से यूज़ करते हैं, ठीक है। ड्रॉपर से आपने ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और ड्रॉपर के थ्रू आप यहाँ से साइड से इसको, टेस्ट ट्यूब को आप ज़्यादा शेक नहीं करना है, अब आपको थोड़ा सा इसको स्टेडी रखना है। और इसके बाद आप यहाँ से साइड से आप ड्रॉप बाय ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि यहाँ पर नीचे की तरफ आपको बहुत पतली सी, एकदम ऐसा थिन सा ब्राउन कलर का रिंग दिखेगा, पतला सा, बिल्कुल जितना पतला आप रिंग सोच सकते हो, ब्राउन रिंग आपको दिखेगा। जैसे आपको इसमें, अगर आप इसको ज़्यादा शेक करोगे तो हो सकता है ब्राउन रिंग दिखे नहीं, डिजॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना। एक तो पहली चीज़ ये होती है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को बहुत तेज़ी से यूज़ नहीं करते, कहीं पे भी एक्सप्लोसिव होता है। दूसरी चीज़, आप धीरे धीरे डालोगे तो आपको रिंग तुरंत दिखाई दे जाती है, अगर ये नाइट्रेट का सॉल्ट है तो। और डालने पे अगर आपको रिंग नहीं बनती है तो नाइट्रेट नहीं है, तो ब्राउन रिंग बनती है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट, रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट। क्लियर है सबको? अब क्लास में मैं कभी भी पूछूं तो बता देंगे, ये आपके लैब में भी बहुत पूछा जाता है और इससे भी बहुत पूछा जाता है आपका, हाँ एग्ज़ाम में वैसे भी। ये जो रिंग बनती है ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की रिंग बनती है। अभी चैप्टर नंबर 9 में हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, FeNO SO4। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अब देखो, आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, इन पांचों के आपको स्ट्रक्चर बना के मेरे को दिखाना है नेक्स्ट टाइम। सब लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। और सबको ये भी बताना है कि किस स्ट्रक्चर में कितने लोन पेयर है और कितने बॉन्ड पेयर है, विधि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है 11th में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर समझते हैं, स्ट्रक्चर में दिखाना कैसे दिखाना है वो आपको आता है, हाँ तो आप भी ट्राई करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग प्रिपरेशन की, भाई इसके ऑक्साइड को अगर हमें प्रिपेयर करना है तो कैसे करें। और आपको बताना है कि ये जो ऑक्साइड, तीन क्वेश्चन है, एक तो पहला आपको ड्रॉ करना है, दूसरा आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर सब में देखने, तीसरा आपको देखना है इसमें कौन सा ऐसा होगा जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होगा,
प्रिपरेशन की बात करें, अगर हमें पहला बनाना है N2O बनाना है सर, तो अब इसमें क्या करते हैं, हमें N2 बनाना था तो हमने नाइट्राइट को हीट किया था, आपने देखा था NO2 को अमोनियम के, ये वाला रिएक्शन, अमोनियम नाइट्राइट को हीट किया था N2 बना था, अब हमें N2O बनाना तो हम क्या करते हैं नाइट्रेट ले लेते हैं, एक ऑक्सीजन बढ़ा देते हैं NH4 NO3 कर देते हैं, उसको हीट अप करेंगे, इसको जब हीट अप करते हैं N2O बनती है लाफिंग गैस और वाटर रिलीज होता है। ऐसे ही अगर हम अमोनियम सल्फेट ले लें और इसकी NaNO3 से रिएक्शन करवा दें, यहाँ पे बनता है Na2SO4 एंड अमोनियम नाइट्रेट, और इसको जब हम लोग हीट अप करते हैं तो ये हीट होने के बाद फिर से ये वाला रिएक्शन देगा, तो अगर आप अमोनियम नाइट्रेट लेते हो सीधे सीधे तो सीधे हीट अप करने पे N2O मिल जाती है, और अगर अमोनियम सल्फेट और NaNO3 का मिक्सचर लेते हो तो आपको अमोनियम नाइट्रेट बनता है और उसको फर्दर हीट करो तो N2O बनता है। क्लियर है कौन सा रिएक्शन था ये, किस टाइप का रिएक्शन था, 10th में पढ़ा हुआ आपने रिएक्शंस के टाइप्स, ये वाला रिएक्शन। जल्दी बताओ, एक सेकंड में, तो एक सेकंड का आंसर है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन 10th में पढ़े हैं, पहला ही रिएक्शन एंड वाला इक्वेशन वाला चैप्टर है आपका 10th में, हाँ ये वाला कौन सा है, डिकम्पोज कर रहे हो आप, वो भी क्या कर रहे हो हीट के थ्रू, तो कौन सा डिकम्पोजिशन है, थर्मल, और ये कौन सा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, DD बोलते हैं, डबल डिकम्पोजिशन, क्यों, क्योंकि आयंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, सबको क्लियर है, तो दोनों रिएक्शन एक ही है अगर उस तरीके से सोचो तो, क्योंकि जो हमारा मेन मोटो है वो किससे पूरा हो रहा है, इससे पूरा हो रहा है अमोनियम नाइट्रेट से, तो अगर आपको अमोनियम नाइट्रेट मिलता है डायरेक्टली हीट कर दो, नहीं मिलता है तो सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट को रिएक्ट करा के मिक्सचर को हीट करोगे तो भी आपका बन जाएगा। अब जिंक ले लो अगर, और HNO3 ले लो, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और इस कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को कोल्ड और डाइल्यूट ले लो, कभी भी किसी मेटल से रिएक्ट करा रहे हो और हॉट कंसेंट्रेटेड लेते हो तो ज़्यादातर केसेस में NO2 बनती है, ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट ऑफ केसेस में मेटल प्लस हॉट एंड कंसेंट्रेटेड अगर HNO3 लेते हो तो कौन सी गैस बनती है, NO2, यहाँ पे हमने कौन सी ली, कोल्ड एंड डाइल्यूट HNO3 लिया, तो कोल्ड एंड डाइल्यूट HNO3 जब हम लेते हैं तो हमें मिलता है N2O, जिंक का नाइट्रेट बनता है और वाटर, क्लियर है, बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, 4HNO3 कर दिया तो NO3 यहाँ पे इतने हो गए, N2 यहाँ पे इतने हो गए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन देख लो बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, सिक्स होने चाहिए, सिक्स तो नहीं लग रहा, रिएक्शन बैलेंस करो ये वाली जिंक वाली, जरा सब लोग देख पा रहे हैं,
प्रोडक्ट यही है, रिएक्टेंट यही है, बैलेंस करना है बस। बैलेंस करके बता दो मेरे को जल्दी से। टू एंड टू वो कर दो तो हो जाएगी। कॉपी में करके फाइनल बता दो। चपाटी अनुकृति हुई नहीं।